तो फिर सातकोसिया के आसपास के क्षेत्र में फैले मंदिरों का दर्शन क्यों ना किया जाए। सिंहनाथ पहाड़ी की गोद में प्राकृतिक परिवेश में हमारी पहली मंजिल है सिंहनाथ। सातकोसिया से सिंहनाथ तक जाने के लिए पर्यटक मोटर चालित बोट भाड़े पर ले जा सकते हैं। जिनसे महानदी पर जल विहार का आनंद लिया जा सकता है। परंतु यहां नाव की सुविधा हमेशा उपलब्ध ना होने के कारण दर्शनार्थी गोपीनाथपुर से होते हुए सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। पर्यटकों को जलमार्ग से सिंहनाथ तक जाने के लिए एक पूरा मोटरबोट संरक्षित करना पड़ता है और जलमार्ग सड़क मार्ग से काफी लंबा भी है। गोपीनाथपुर बड़म्बा में स्थित वैदेश्वर घाट से बोट द्वारा महानदी की एक संकरी जलधारा को पार कर सिंहनाथ पीठ तक पहुंचा जा सकता है। नदी पार करते समय दूर से ही जो मंदिर बरबस अपना ध्यान खींच लेता है वह है महाप्रभु श्री रघुनाथ जी का मंदिर। बरसात के मौसम में जब नदी का पानी अपने पूरे शबाब पर होता है सिर्फ उसी दौरान नाव आपको मंदिर तक ले जा सकती है। साल के बाकी दिनों में जब जलराशि घट जाती है तो नदी की सुनहरी रेत पर करीब 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पर ही मंदिर का दर्शन संभव होता है। उत्कलीय स्थापत्य कला की परंपरा के अनुसार सिंह की 2 मूर्तियां मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर लगाई गई हैं। पहाड़ के शिखर पर बने इस मंदिर की शोभा तो न्यारी है ही, साथ ही यहां का प्राकृतिक सौंदर्य मानो सोने पर सुहागा है। श्री रघुनाथ जी का यह मंदिर प्राचीन नहीं बल्कि नवीन है, परंतु इसकी भव्यता और गरिमा में कोई कमी शायद ही ढूंढने से मिल सके। मंदिर के गर्भगृह में श्री रघुनाथ जी की सौम्य और सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से ही मन को चीर प्रतीक्षित शांति प्राप्त होने का आभास होता है। अपने सिर पर रघुनाथ जी के मंदिर को धारण किया हुआ यह पहाड़ किसी हद तक एक छोटा व सुंदर टापू कहा जा सकता है। जीवन में कुछ अनोखा कर दिखाने का दुस्साहस करने वाले यात्री इस टापू के चारों ओर पैदल घूम सकते हैं, यानी कि ट्रेकिंग कर सकते हैं। पहाड़ी के नीचे एक गुफा भी है जिसके अंदर क्या है ये आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। पहाड़ी के पहली तरफ सिंहनाथ मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी के स्थापत्य कलानुसार किया गया है। इस मंदिर के चारों ओर 4 छोटे-छोटे मंदिरों की भी स्थापना की गई है। हालांकि 12वीं सदी में बने अन्य मंदिरों की तुलना में यह मंदिर आकार प्रकार में काफी छोटा है, पर इसका सौंदर्य, महत्व, निर्माण शैली और भव्यता किसी भी लिहाज से औरों से कम नहीं है।
मंदिर के प्रवेश द्वार पर कारीगरों ने महालक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, नृसिंह, दशभुजा आदि देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की है। यह मंदिर उड़िया मंदिर शिल्पकला का एक जीवंत उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर उस काल के जीवन शैली, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधि की झांकियां अत्यंत सुंदर व जीवंत रूप में समाहित की गई है, जो कला नैपुण्य व कल्पनाशीलता का जीता जागता प्रमाण है। मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक दीपक के अलावा रोशनी की कोई और व्यवस्था नहीं है। मकर संक्रांति तथा महाशिवरात्रि जैसे विशेष त्योहारों के अवसर पर इस मंदिर में खासी चहल पहल पाई जाती है। यहां आकर भक्तगण अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं और प्रतिदान स्वरूप यहां पर देवताओं की सेवा में घंटियां अर्पित करते हैं। सिंहनाथ महाप्रभु के सामने ही भगवान लोकनाथ का मंदिर है, जो हर दृष्टि से एक दूसरे के बराबर ही है। मंदिर में प्रसाद प्रस्तुत करने के लिए एक पाकशाला या रसोई है। मंदिर के चार दीवारी के अंदर अनेकों देवी देवताओं के छोटे बड़े आस्थान भी हैं तथा मुख्य मंदिर के दीवारों पर असंख्य पार्श्व देवता भी अधिष्ठित किए गए हैं। सिंहनाथ मंदिर के बगल में मां काली का मंदिर है, जिसकी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। इस टापू पर ठहरने का स्थान केवल एक पुरानी धर्मशाला है, जिसे सन 1917-18 के आसपास बनवाया गया था, परंतु संरक्षण के अभाव में यह धर्मशाला बड़ी बुरी हालत में है। परंतु यहां पर महानदी की नाव पर सवारी एक अनोखा अनुभव है। आधुनिक जीवन के शोरगुल व उठापटक से काफी दूर पहाड़ी और जंगल के वीराने में अपनी बेबसी पर रो रहे हमारी संस्कृति व परंपरा के धरोहर की ओर ध्यान देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? तो फिर आइए ना आधुनिक शहरी जीवन के शोरगुल से दूर महानदी के किनारे पनपे उस जमाने की सभ्यता की खोज में यहाँ सिंहनाथ